लेकिन आज वो दिन है जिसका कई लोगों को काफी समय से इंतजार था। बहुत लोग सोच रहे थे कि भाई क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। दो अलग अलग मामले हैं। वन मैटर रिलेटेड टू 2009 व्हेन प्रशांत भूषण हैड गिवन एन इंटरव्यू एंड स्पोकन अबाउट पास्ट हाफ ऑफ द पास्ट सीजेआईज। दैट मैटर इज कंटिन्यू, वो अभी चल रहा है, उस पर फैसला नहीं हुआ है। उसकी 17 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग होगी। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें प्रशांत भूषण का एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया, स्वीकार नहीं है, इसकी सुनवाई होगी। राजीव धवन जो कि प्रशांत भूषण के एडवोकेट हैं, वो 17 तारीख को इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो उस पर अभी तक हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो दूसरा मामला था, जो उस टू दो ट्वीट दो फेमस ट्वीट से शुरू हुआ था, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लगभग पूरा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण दोषी हैं और अब उनको सजा क्या मिलनी चाहिए, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख को सुनवाई के बाद तय करेगा। सो ये सेटल हो गया है, गिल्ट हैज बीन प्रोनाउंस्ड। नाउ ओनली द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, कितनी सजा मिलेगी, केवल इसका फैसला होना बाकी है। हिंदी की एक बहुत फेमस कहानी है पंच परमेश्वर। कहानी है गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ के बारे में। दोनों की आपस में खटपट है, पुराना एक दूसरे का झगड़ा है, और अचानक पंचायत क्या फैसला करती है, जुम्मन मियाँ के एक मामले में अलगू चौधरी को पंच बना देती है। अब सारा गांव समझता है कि नहीं, दोनों की तो आपस में खुंदक है, अलगू चौधरी तो अब जुम्मन मियाँ के खिलाफ फैसला देगा ही देगा। लेकिन जब पंच की कुर्सी पर बैठते हैं, उस आसन पर बैठते हैं अलगू चौधरी, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो सच है मैं तो वो सच बोलूंगा। वो सच संयोग से उस समय जुम्मन मियाँ के पक्ष में था। वो फैसला सुनाते हैं और वो कहते हैं, और प्रेमचंद की वो बहुत फेमस कहानी है पंच परमेश्वर। पंच तो परमेश्वर है, जब आप उस सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर आप परमेश्वर की तरह बोलते हैं। तब आपका कोई ना दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई खुंदक है, ना पसंद है ना नापसंद है। आज सुप्रीम कोर्ट के लिए वैसा मोमेंट था कि पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बातें कही जा रही, आज का जजमेंट वो मोमेंट था जिससे साबित हो जाता कि ये सब बातें हल्की थी। लोग किस तरह की बातें कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि देखिए ये सारा का सारा मामला प्रशांत भूषण को सेट करने के लिए, प्रशांत भूषण को फंसाने के लिए, प्रशांत भूषण से खुंदक निकालने के लिए किया जा रहा है। देखिए तो सारा कोर्ट में लॉकडाउन है, कोई चीज पे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा, और उसके बीचों बीच अचानक ये प्रशांत भूषण के दो मामले निकालना और उसे जाके जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में देना। लोग ऐसा कहते थे कि ये सब ले दे के ऐसा खेल है जिससे प्रशांत भूषण को फंसाया जाए, उनको कुछ ना कुछ सजा तो हो के रहेगी, आप कुछ भी कर लो। दूसरे लोग कहते थे नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, न्याय है, प्रक्रिया है, आप देखिए आप अभी से क्यों भरोसा छोड़ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, पहले जजमेंट देख तो लीजिए भाई। और हमें सबको लगता था हाँ बात तो सही है, जजमेंट देखना चाहिए, कैसी हियरिंग हो वो देखनी चाहिए, शक हो सकते हैं, और मैंने अपने शक खुल के रखे। लेकिन अंततः सवाल ये नहीं कि मेरे शक क्या है, अंततः सवाल ये है कि ऑर्डर क्या है, निर्णय क्या है। और आज वो निर्णय आ गया, वो ऑर्डर आ गया, 108 पेज का ऑर्डर है। उस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आपने अब तक सुन लिया होगा, मैंने उसकी ऑपरेशनल समरी आपको सुना दी है। ऑपरेशनली वो जजमेंट कहता है कि कोर्ट का ये फैसला है कि प्रशांत भूषण ने इस मामले में, ये जो दो ट्वीट हैं, इन दोनों में प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, उनको सजा मिलेगी, और साधारण कंटेम्प्ट नहीं, बहुत गंभीर कंटेम्प्ट की है, जिसको जिसके लिए उनको सीरियस सजा मिलनी चाहिए। ये बातें कोर्ट कहते हैं। अब उसके बाद सजा क्या मिलती है ये हम अभी कह नहीं सकते, ये हमें बाद में पता लगेगा। इस बीच इसमें जजमेंट में क्या क्या बात मुख्यतः कही गई वो मैं आपके सामने कुछ रखना चाह रहा हूं। प्रशांत भूषण ने अपने बातचीत में कहा था, सो प्रशांत भूषण ने कहा कि कई उन्होंने टेक्निकल लीगल इश्यूज उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए। उन्होंने 3-4 प्रश्न उठाए थे प्रशांत भूषण ने अपनी पिटीशन में। आपको याद होगा इससे पहले जो सवाल उठे थे वो सब मैं कई बार उठाता रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट दोज क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस वर नंबर 1, व्हाई इज इट देन, जब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद है, बहुत थोड़े से केसेस हो रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हो रहे हैं, ऐसे में दो ट्वीट ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गए भाई, 2 महीने बाद हो जाते तो क्या होता।
दूसरा कि ये जो पिटीशन है जिसे सेशन कोर्ट में भी ना एंटरटेन किया जाता, इतनी फॉल्टी पिटीशन, उसके ऊपर क्यों बातचीत सुप्रीम कोर्ट इस ऐसी चीजों को सीरियसली क्यों ले रहा है। नंबर तीसरा कि ये मामला जस्टिस अरुण मिश्रा जी की कोर्ट में ही क्यों जा रहा है, सारे प्रशांत भूषण से रिलेटेड कंटेंप्ट के मामले केवल वहीं क्यों जा रहे हैं। चौथा कि जो प्रशांत भूषण ने अपने पक्ष में बातें कही हैं वो बातें सच है या नहीं है, इसका फैसला किया जाना चाहिए। आज के जजमेंट से सबको उम्मीद थी और होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें इन सब चीजों के आंसर मिलेंगे। तीन टेक्निकल चीजें जो मैंने सोची थी जिसके आंसर मिले वो मुझे नहीं मिले इसके अंदर। पहला, प्रशांत भूषण के वकील दुष्यंत दवे ने पूछा था जजेस से, बेंच से अपनी हियरिंग में, कि सर ये मामला आपकी बेंच पे किसने भेजा। ये बड़ा पेचीदा सवाल था, इसलिए कि अगर सीजेआई जस्टिस बोबड़े ने भेजा तब तो सही बात नहीं है, क्योंकि सीजेआई जस्टिस बोबड़े को तो नहीं देना चाहिए, वो खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर, और ये बेंच अपने आप तो फैसला नहीं कर सकती कि हम इसे लेंगे। जब इतना विवादास्पद फैसला है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के पास क्यों गया, ये फैसला किसने लिया। उस समय हियरिंग में उन्होंने कहा कि ये फैसला जस्टिस रमन्ना जो कि नंबर टू जज है उन्होंने लिया, जो बिल्कुल प्रोसीजरली करेक्ट चीज है। लेकिन आज के जजमेंट में तो जुबानी बताया गया कि उन्होंने लिया, लेकिन आज के जजमेंट में इसका जिक्र नहीं है। ये बात गोलमोल हो गई है, हो सकता है जजेस से छुट गई हो कहने में, या हो सकता है इसके पीछे कोई राज हो, हम नहीं जानते। नंबर दो, प्रशांत भूषण ने पिछले हफ्ते जब इसकी हियरिंग पूरी हो चुकी थी उसके बाद प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन फाइल की थी, ये कहते हुए कि जिस पिटीशन के आधार पे आप मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए बुला रहे हैं उसकी कॉपी तो आपने मुझे सप्लाई नहीं की, आप मुझे उसकी कॉपी सप्लाई कीजिए। और प्रशांत भूषण ने अपने सपोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइट किया, हाल ही का जजमेंट है, जिसको आज उस जजमेंट के बाकी हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने खुद साइट किया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पार्टी को उसका जजमेंट, उसके पिटीशन की कॉपी सप्लाई नहीं की गई, और वहां पे तो ये था कि कॉपी तो सप्लाई की गई थी, उसकी एक अपेंडिक्स एनेक्स्चर सप्लाई नहीं किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, दैट्स नॉट फेयर, आप उसको दोबारा चांस दीजिए, उसको पिटीशन दीजिए, वो कीजिए। तो प्रशांत भूषण ने कहा था मुझे अब तक तो पिटीशन की कॉपी नहीं मिली है, आप कृपया मुझे पिटीशन की कॉपी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आज उसका कोई जिक्र नहीं है, प्रशांत भूषण की इस पिटीशन का। उन्होंने पिटीशन दी, कोर्ट को कहना तो चाहिए था ना इस आधार पे हम आपकी पिटीशन रिजेक्ट करते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं। तीसरा, जैसा मैं आपके सामने पहले कह चुका हूं, 16 देश के प्रमुख लोगों ने, देश के बहुत रेस्पेक्टेड लोगों ने इम्प्लीटमेंट पिटीशन दिया था कि अगर ये कंटेम्प्ट है तो हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसको डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया था। प्रशांत भूषण के एडवोकेट दुष्यंत दवे जी ने कोर्ट में कहा था कि ये तो गलत किया, डिप्टी रजिस्ट्रार ने जिस आधार पे किया है, जो जजमेंट को साइट किया, गलत साइट किया है। मेरी उम्मीद थी कि कोर्ट आज अपने जजमेंट में बताएगा कि उनकी इम्प्लीटमेंट पिटीशन को नहीं लेना क्यों सही था, उसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था। मैं नहीं जानता कोर्ट सही है गलत है, मगर मैंने सोचा था उसका आर्ग्यूमेंट बताया जाएगा, वो आर्ग्यूमेंट मुझे इस ऑर्डर में कहीं नहीं दिया दिखा। वैसे मैं वकील नहीं हूं, अगर कोई मेरे कहने में गलती हो मुझे जरूर बताइएगा। कोर्ट ने आज के जजमेंट में दो तीन बातें कही जो बहुत बड़ी बातें थी, जिसके बहुत गहरे इम्प्लीकेशन है इस देश के लिए, इस देश में जस्टिस कैसे होगा, इस सब के लिए। पहला, कोर्ट ने कहा कि ये जो कंटेंट ऑफ लॉ में कहा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस आप जो करते हैं, देखिए कंटेंट ऑफ लॉ बना किस लिए, कंटेंट ऑफ लॉ इसलिए बना है कि सुप्रीम कोर्ट को आपने पावर तो दे दी कि वो जजमेंट दे, अगर उस जजमेंट का पालन ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए कोई सरकार है जो कहती है कि देता रहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, हम तो उसका पालना नहीं करते। जैसे एक फेमस जजमेंट है पंजाब हरियाणा के डिस्प्यूट का, 2004 में जजमेंट आ गया, पंजाब सरकार ने कहा हम तो नहीं पालन करते, तो ऐसे में क्या किया जाए। और अगर ऐसे में सरकार लागू करवाने में इंटरेस्टेड ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होना चाहिए ना। तो मूल भावना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ये है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे ना करो, या आप कुछ ऐसा काम करो जिससे जस्टिस हो ही ना पाए। आप ऐसी ऐसी झूठी पिटीशन रोज लेके आओ, कुछ कोर्ट का काम आप रुकवा दो, उससे होता है। जैसे पहले एक जज ही हुआ करते थे कन्नन साहब, उन्होंने भी ऐसा एक काम पहले कभी किया था,
जो कर करके ऐसा कि मतलब आप किसी तरह से भी कोर्ट में कोर्ट का सामान्य काम चल ही ना पाए, या मान लीजिए आप ऐसा कर दें कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जज कोर्ट के अंदर ही ना घुस पाए। तो इन चीजों ऐसी अल्टीमेट बिल्कुल फाइनल चीजों को रोकने के लिए लॉ बना है। तो प्रशांत भूषण के वकील ने पूछा था कि साहब प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, अच्छा था बुरा था चलिए कोई नहीं, इससे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कैसे हुआ, कैसे रुक गया? कोर्ट का जजमेंट कहता है, कई चीजों के आधार पे कई जजमेंट भी कोर्ट करता है, ठीक ही कर रहा होगा। कोर्ट कहता है कि नहीं, हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी ट्वीट से इस देश में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ ये हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बस हमें तो ये देखना है कि क्या हमारे इंप्रेशन में आपके काम करने से डज इट टेंड टू लोअर द डिग्निटी ऑफ कोर्ट, आपके बोलने से आपके काम से क्या ऐसा आभास होता है, क्या ऐसा महसूस होता है कि इससे कोर्ट की डिग्निटी जनता की आंख में कम हो जाएगी। मेरे दिमाग में साधारण सवाल आता है, भाई एक जज साहब थे गोगोई साहब, उन्होंने अचानक शनिवार के दिन सैटरडे को कोर्ट की छुट्टी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, कहा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसके ऊपर अचानक कोर्ट हियरिंग करेगा। और क्या वो मामला निकला? वो था सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ की एक महिला द्वारा उन्हीं जज माननीय जस्टिस गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। तो जज साहब अपने ही केस की सुनवाई करने के लिए बैठे, उन्होंने लंबा भाषण दिया कहते हुए कि कैसे देश में जुडिशरी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, मैं कितना ईमानदार आदमी हूं, मैंने जिंदगी में आज तक कभी पैसा नहीं बनाया। जज साहब खुद भाषण दे रहे थे अपने ही मामले में, बुला के मीडिया को बुला के राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे, अपने ही केस के अंदर वो बैठ के फैसला करने के लिए बैठे हुए थे। बाद में चालाकी से उन्होंने खुद के साइन नहीं किए, बाकी दो जजेस के उस पर साइन करवा लिए, जज साहब बैठे थे। अब आप मुझे बताइए, इसमें कोर्ट की डिग्निटी तो लोअर हुई, सही बात है, पर डिग्निटी किस चीज से लोअर हुई? माननीय न्यायमूर्ति के काम करने से हुई या मेरे कहने से हुई? अगले दिन सारे देश के मीडिया ने इस खबर को छापा, इसके बारे में टिप्पणी हुई, सबने सर पकड़ा, सबने कहा क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। बताइए जज साहब दोषी हैं या कि प्रशांत भूषण दोषी है? आज के जजमेंट को देखें तो दोषी प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कुछ भी करे अगर, और आपको साबित भी नहीं करना पड़ेगा कि इससे जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, बस कोर्ट को महसूस होता है कि इससे कोर्ट की डिग्निटी नीचा करने की कोशिश हुई। अब आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा लोकतंत्र को खतरा है इसलिए हमें आना पड़ रहा है, जिस तरह से केसेस अलॉट कर रहे हैं उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा, ये कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ खास चीजों को सूट करने के लिए किया जा रहा है, ये गलत है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। अब आप बताइए कोर्ट की डिग्निटी कौन कम कर रहा है? वो जज जो कि एलोकेशन कर रहे थे अगर ये 4 जज सही थे तो, या ये जज जो बोल रहे थे, या कि प्रशांत भूषण जो इस बात को रिपीट कर रहा है, या मैं जो प्रशांत भूषण की बात को रिपीट कर रहा हूं? आप ही सोचिए, व्हाट इज लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट? आज के जजमेंट के हिसाब से देखें तो बस आप यू आर लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। और यही नहीं, कोर्ट इससे आगे जाके बड़ी शानदार बातें करते हैं, मैं उनमें से कुछ हिस्से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं गया था वो लेने के लिए जो उसमें लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के आज कुछ हिस्से पढ़ के सुनाता हूं। एन अटेम्प्ट टू शेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैज टू बी डेल्ट विद एन आयरन हैंड। देश के संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने की कोशिश के खिलाफ आयरन हैंड से काम लेने की जरूरत है। द ट्वीट हैज द इफेक्ट ऑफ डिस्टेबिलाइजिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पता लगा आपको कि प्रशांत भूषण की एक ट्वीट से, 2 ट्वीट से क्या हो गया? डिस्टेबिलाइजिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
जज साहब अपने केस के अंदर बैठे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, उससे डिस्टेबलाइज नहीं हुआ था। चार जज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिस तरह से एलोकेट केस कर रहे हैं ये तो मजाक है लोकतंत्र के साथ, उससे डिस्टेबलाइज नहीं हुआ। प्रशांत भूषण की ट्वीट से डिस्टेबलाइज हुआ, पता लगा आपको, ये कह रहे हैं। और सुनिए जज साहब क्या कह रहे हैं। No doubt the court is required to be magnanimous when criticism is made of the judges or the institution of administration of justice. However, such magnanimity cannot be stretched to such an extent which may amount to weakness in dealing with malicious, scurrilous, calculated attack. कि हमें वैसे तो दिल चौड़ा रखना चाहिए, लेकिन कहीं कमजोरी का लक्षण ना आ जाए, खास तौर पे अगर malicious मतलब बदनीयति से किया जाए। पता नहीं नियत का कैसे पता लग गया जज साहब को। अगर ऐसा चाहते तो फिर इसके बारे में पूरी पुलिस से इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि प्रशांत भूषण ने ट्वीट कब किया, किसकी संगत में किया, पीछे क्या डिजाइन था। कैलकुलेटेड अटैक, जज साहब कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड था। साहब अगर कैलकुलेटेड कह रहे हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट है, इतनी बड़ी बात कह रहा है, थोड़ा एविडेंस तो दे दीजिए ना, पीछे क्या कैलकुलेशन था, पीछे कौन कौन लोग थे, कितनी बड़ी इसके पीछे फोर्सेस थी, कौन कौन षड्यंत्र थे। भाई बहुत बड़ी चीज है देश के खिलाफ, प्लीज आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सम एविडेंस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जज साहब ये सारी बातें कह रहे हैं उसके अंदर। तो दूसरी चीज, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो आज के उसमें आती है, एक और पैरा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वैसे इससे मुझे एक किस्सा छोटा सा याद आया। इंग्लैंड में कोई 21 साल पहले एक केस हुआ था जहां वहां के कोर्ट ने जजमेंट दिया। वहां के एक अखबार ने फ्रंट पेज पे खबर छापी। खबर क्या थी, खबर का हेडलाइन मैं आपको बता दूं। उसने वहां के जितने भी जज साहेबान थे उनकी तस्वीर छापी, उल्टी करके टांग दी तस्वीर, जिसमें जज उल्टे दिखाई दे रहे थे, धड़ ऊपर, सर नीचे और धड़ ऊपर। और नीचे अखबार की हेडलाइन क्या थी, यू फूल्स। ये इंग्लैंड के बड़े सर्कुलेशन वाले अखबार ने अपने जजेस के बारे में फ्रंट पेज पे छापा था। मामला गया जजेस के सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। जज साहब ने कहा, नहीं उसमें लिखा था यू ओल्ड फूल्स। तो जज हंसे, उन्होंने कहा देखो भाई ओल्ड तो हम हैं और फूल्स हैं या नहीं ये इतिहास बताए, बाद में देख लेंगे, ये तो जजमेंट की बात है। ये होता है लोकतंत्र की मर्यादा, ये होता है जिन लोगों को विश्वास होता है कि मेरे पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। जब चरित्र आकाश की तरह साफ होता है, आप कहते हैं आकाश पे थूक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश कुछ आपको पकड़ता है, अगर आप उस पे थूकते हैं वापस थूक आपके मुंह पे आ जाता है, आकाश अपनी जगह रहता है, ये मर्यादा होती है। खैर कोर्ट कहते हैं, No doubt that it may be better in many cases for the judiciary to adopt a magnanimous, charitable attitude even when utterly uncharitable and unfair criticism of its operation is made out of bona fide concern for improvement. However, when there appears to be some scheme and design to bring about results which have the tendency of damaging the confidence in our judicial system and demoralize the judges of the highest court by making malicious attack, etc., etc. तो साहब देर इज ए डिजाइन, मेलिशियस डिजाइन है, स्कीम एंड डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट रिजल्ट्स विच हैव द टेंडेंसी टू डैमेजिंग द कॉन्फिडेंस। अब जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज में कहता है, अगर कोई छोटा सा कोर्ट भी कह दे, सेशन कोर्ट कह दे कि इस नियत से काम किया गया, हाई कोर्ट क्या पूछता है कि साहब इसका क्या एविडेंस था, आपने कैसे किया, तो सुप्रीम कोर्ट इसका तो कोई जवाब देगा ना। मैंने ढूंढा, मुझे वो जवाब मिला नहीं। हो सकता है बाद में बताया जाए इसके पीछे क्या डिजाइन था, क्या मेलिशियस इंटेंट था, पता लग जाएगा शायद इसके बारे में। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहते हैं, जब ये सब बात होती है, जब आपसे पूछा जाता है, सॉरी एक चीज और यहां अंडरलाइन की हुई दिख रही है, हाँ ये जो कहते हैं, इफ सच एन अटैक इज नॉट डेल्ट विद द रिक्विजिट डिग्री ऑफ फर्मनेस इट मे अफेक्ट द नेशनल ऑनर एंड प्रेस्टीज इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। अगर प्रशांत भूषण जैसे तत्वों के साथ इस तरह के हमले के साथ, ये हमला है, अगर इससे फर्मनेस से डील न किया गया तो राष्ट्रीय गरिमा, राष्ट्र की जो इज्जत है उसको खतरा है दुनिया में। अगले एक हफ्ते में दुनिया भर में कुछ एडिटोरियल छपेंगे अखबारों के अंदर, आप देख लीजिएगा
प्रशांत भूषण से खतरा हुआ है या कि इस जजमेंट से हुआ है। दो ट्वीट से इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की फाउंडेशंस हिल गई, इस राष्ट्र की इज्जत, राष्ट्र की तो सार्वभौमिकता नहीं लिखा, मुझे तो लगा था कहीं सॉवरेंटी भी हिल गई हो कहीं इस दो ट्वीट से। आज से 20 साल बाद आप ये सब पढ़ेंगे, हंसेंगे, हमारे बच्चे हंसेंगे, आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट ये चीज कहता था। ये जो एडीएम जबलपुर का जजमेंट है जिसको पढ़ के आज भी हम सर झुकाते हैं, कहते हैं बाप रे, एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजमेंट आते थे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायरमेंट के बाद माफी मांगनी पड़ी थी, कहा था हिम्मत नहीं थी हमें, वैसा काम तो नहीं हो रहा, सोचना चाहिए इसके बारे में। जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई जो उसने कहा वो आपका मान अपमान का मामला है, ये चीज इससे देश का मान ऊपर होगा नीचे होगा, इससे कोर्ट का मान नीचे होगा ऊपर होगा, कोर्ट की साख लोगों के मन में घटेगी बढ़ेगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि जी बात सच थी कि नहीं, होगा ना। आप मेरे बारे में कहें कि बेईमान आदमी है, चोरी से बोलता है, बोलने से पहले पैसा ले लेता है, जिससे पैसा लेता है उसके पक्ष में बोलता है, मैं कहूं आप तो मेरी इज्जत पे डाका डाल रहे हैं। और अगर आप उसके बाद दिखा दें कि भैया तुमने पैसे लिए और उसके पक्ष में बोला, तो फिर कैसे वो अवमानना हो गए। अवमानना के लिए पहला चीज तो ये ना कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ हो। दो ट्वीट है प्रशांत भूषण जी के। पहला ट्वीट है बाइसिकल के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाइसिकल पे बैठना और इस सब मामले के अंदर हम इसके सच के इस पे जाना नहीं चाहते। प्रशांत भूषण ने भी कहा था कि ये असली बात नहीं है, असली बात कोर्ट के काम की है। वहां सुप्रीम कोर्ट सच झूठ के सवाल पे विचार करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रशांत भूषण का ये कहना कि कोर्ट लॉकडाउन में था ये झूठ है, क्योंकि कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग हो रही थी, हमने इतने हजार मामले सुने। पहली बात तो ये है कि कोर्ट सच झूठ में इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छी बात है सर, ट्रूथफुलनेस शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कंटेम्प्ट किया या नहीं किया उसमें पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि मैंने सब सच बोला है नहीं, सच बोल के मैं कैसे कंटेम्प्ट कर सकता हूं आप ही बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, इंटरेस्ट लेता है, मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए आप कहते हैं कि झूठ है, एविडेंस क्या है कि हमने इतने मामले लिए। तो फिर तो सर ये पूछना चाहिए ना कि ये जो देश में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सवाल था उस सवाल को क्यों नहीं लिया, प्रायोरिटी पे क्यों नहीं आया, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है CAA एक्ट की उस पे विचार क्यों नहीं हुआ। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और देश की इतनी बार एसोसिएशन शिकायत क्यों कर रही है, इफ द कोर्ट वर फंक्शनिंग ऑल राइट, इफ देयर वाज नो लॉकडाउन, व्हाई आर द लॉयर्स कंप्लेनिंग अबाउट इट। सच ये है कि कोर्ट फंक्शन कर रहा था लेकिन बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में फंक्शन कर रहा था और ऑर्डिनरी लोगों को एक्सेस नहीं थी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के कहने से कि हम वर्चुअल हियरिंग कुछ कर रहे थे, इससे साबित हो जाता है कि लॉकडाउन ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, फिर तो भाई कोर्ट इस देश में ही लॉकडाउन कभी हुआ नहीं था, क्योंकि जब देश में लॉकडाउन हुआ उस वक्त किराने की दुकान तो खुली थी, दूध की दुकान तो खुली थी, केमिस्ट की दुकान तो खुली थी, अस्पताल तो खुले थे। अगर इससे साबित हो जाए, और सरकार के ऑफिस भी पहले 15-20 दिन के बाद खुल गए थे, क्या इससे साबित हो जाता है कि देश में लॉकडाउन ही नहीं था। अगर मैं कह दूं देश में लॉकडाउन है तो क्या झूठ हो जाता है। प्रशांत भूषण सच बोल रहे थे, लॉकडाउन था जुडिशरी का, बहुत ही लिमिटेड केसेस कर रहे थे और लोग त्रस्त थे, ये सच है, हम सब जानते हैं। खैर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये झूठ है, ठीक है, कोर्ट का अपना जजमेंट है इस चीजों के बारे में। फिर दूसरा ट्वीट जहां प्रशांत भूषण कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है और आज कोई फ्यूचर हिस्टोरियन होगा तो इस लोकतंत्र के डिस्ट्रक्शन में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और पिछले 4 CJI की भूमिका को नोट करेगा। ये शब्द है प्रशांत भूषण के। कोर्ट कहता है डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं हमें इसमें नहीं जाना, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, सही बात है, मेरा विचार हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या जजमेंट पास करेगा उसमें कोई। बाकी जो दो सवाल है कि CJIs की क्या भूमिका थी, असली सवाल तो ये ना कि पिछले 4 CJI, बिल्कुल प्रशांत भूषण ने कहा है और ये बिल्कुल आरोप है, प्रशांत भूषण ने 130 पन्ने का एफिडेविट दे के एक एक CJI के कार्यवाही कारगुजारी के बारे में डिटेल्स में बातें बताई हैं। तो अगर वैसा है तो
तो भाई कम से कम हमें जानने का तो अधिकार है ना कि वो बात सच थी या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तकलीफ की, उन्होंने देखा कि हाँ ये बात, ये जो आप कहते हो कोर्ट लॉकडाउन में है या नहीं, उसकी सच्चाई की जांच की सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जांच नहीं करनी चाहिए थी कि पिछले 4 CJIs का कंडक्ट क्या था? प्रशांत भूषण ने लंबी लिस्ट दी थी, पूरा एक एक इश्यू नैरेट किया था, अपने आप को ही नहीं 50 दूसरे लोगों को कोट किया था कि सबको ये कह रहे हैं साहब देश में। अच्छा ना होता कि सुप्रीम कोर्ट जांच करता कि शनिवार के दिन उस चीफ जस्टिस का कोर्ट को खोल के अपने मामले में बैठना क्या उचित था, और रिटायर होने के दूसरे दिन राज्यसभा की सीट आप ले लेते, ये कौन सी गरिमा है? क्या इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम नहीं होती देश के सामने? और जब मैं बोल दूं कि इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम होती है, क्या मेरा दोष है या उनसे जिन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा की सीट ले ली? कौन कर रहा है पॉलिटिक्स यहां, मैं या कि वो जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली? ये सवाल है, इन सवालों पे तो बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सच के बारे में बात नहीं की, इसकी ट्रुथफुलनेस की जांच नहीं की। अगर कोर्ट प्रशांत भूषण के एक एक चीज के बारे में, जैसे उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बोला, सही गलत जो भी है कोर्ट है भाई, उनका जजमेंट है, उसी तरह से प्रशांत भूषण ने जो लंबा एक एक जज के बारे में फहरिस्त बताई थी, उसमें भी कोर्ट अगर अपना जजमेंट दे देता तो कितना खूबसूरत होता। हो सकता है मैं सहमत ना हूं, लेकिन पता तो लग जाता ना कि क्या था, वो मुझे नहीं मिला, आपको दिखाओ तो बताना। आखिरी बात जो कोर्ट कह रहे हैं वो ये कि हमारी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर्स हैं वो पावर अनलिमिटेड है, क्योंकि प्रशांत भूषण के वकील ने और सबने कहा था कि देश के अंदर एक कानून है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो कानून कहता है कि अगर कोई पिटीशन आएगी तो उसमें सबसे पहले आपको अटॉर्नी जनरल की राय लेनी पड़ेगी, वो कानून प्रोसीजर बताता है, वो कानून बताता है कि आप इतनी सजा दे सकते हैं इतनी सजा नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम इससे बंधे हुए नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हमारी पावर है ये किसी कानून से नहीं है, ये सीधे संविधान से है, जो बिल्कुल सही बात है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उसका अर्थ वो ये निकाल रहे हैं कि चूंकि सीधे संविधान से है इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून के अंदर जो प्रोसीजर लिखा हुआ है हम उससे नहीं बंधे हुए, और कितनी सजा देनी चाहिए कैसे देनी चाहिए हम उससे बंधे हुए नहीं है। तो कल सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रशांत भूषण को फांसी की सजा दे सकता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून है वो कानून तो कहता है कि 6 महीने की आप सजा दे सकते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नहीं, ये हमारी, हम इससे ऊपर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, हम अपने प्रोसीजर बनाएंगे, हम तय करेंगे कि क्या करने की जरूरत है। तो कुल मिला के लब्बो लुआब ये कि आज की सारी बात से साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, हमारे यहां कहते हैं ना सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न है, सब ताकत है, मुझे इससे एतराज नहीं है, सबसे ऊंचे न्याय करने वाले को सर्वशक्ति संपन्न होना चाहिए, लेकिन जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे सर्वगुण संपन्न भी होना होगा, उसमें सब वर्च्यूज भी होनी होगी, उसकी मर्यादा दूसरों से ऊंची होनी होगी। मैंने आपको इंग्लैंड के कोर्ट का एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको पंच परमेश्वर वाली कहानी बताई, ये कहानियां हैं जो आपकी कोर्ट में आस्था बना देती है। उसके बाद जब जजेस ने वो कह दिया, उसके बाद आप समझिए जिस एडिटर ने छापा था यू ओल्ड फूल्स, वो एडिटर कितना छोटा दिखाई दिया होगा लोगों को कि देखो तुमने क्या बोला और जजेस ने क्या बोल दिया। वो चीज है जो कि कोर्ट की मर्यादा को ऊपर उठाती है, लेकिन आज हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है हम सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न भी होना होगा, सर्व मर्यादा संपन्न भी होना होगा, आपको सब तरह की वर्च्यूज भी दिखानी होगी। क्या वो दिखती है? मुझे इस जजमेंट में दिखाई नहीं दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बाकी सब जजमेंट में भी ऐसा है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बाकी सब जजेस भी ऐसा ही करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 जज भी अपने बाकी सब जजमेंट्स में यही काम करते हैं, लेकिन इस जजमेंट में वो सर्वगुण संपन्न होने का गुण तो दिखाई नहीं दिया। और जज साहब, ये महात्मा गांधी ने भी कहा था, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी पे डिसअफेक्शन का आरोप लगाया था, महात्मा गांधी ने कहा था कि साहब ये अफेक्शन जो होता है ना ये कॉलर पकड़ के मांगा नहीं जाता,
अफेक्शन आपके काम से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी इन चीजों से नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट किसको कब सजा दे दे। डंडा चला के जो डिग्निटी लेते हैं उससे डिग्निटी नहीं बनती। आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर टीचर होते हैं जो बच्चों को मुर्गा बना देते हैं। कम से कम हमारे स्कूल में ऐसा हुआ करता था, वो बच्चा मुर्गा भी बनता था और मुर्गा बने बने बाकी क्लास वालों को आंख भी मारा करता था कि देखो क्या काम किया टीचर ने, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा। इससे इज्जत नहीं बनती है, इज्जत बनती है हमारे काम से। जब काम आपका ऐसा हो जिस पर जो उंगली उठाए उसकी उंगली अपने आप छोटी हो जाएगी, उससे इज्जत बनती है। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी और मैं समझता हूँ वो बड़ी बात है। आज के मुद्दे पे कई लोगों ने टिप्पणी की है। अभी हमारे वरिष्ठ एडवोकेट संजय हेगड़े ने हमें वो याद दिलाया था, दिनकर की वो पंक्ति, जो जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, ये वाली जो पंक्ति थी दिनकर की, वो संजय हेगड़े ने कोट की और बिल्कुल उसी वक्त पे आ गए। मैं जो ढूंढ रहा था, हमारे एक साथी हैं मंजुल भारद्वाज जी, उन्होंने लिखी, मुझे बहुत सुंदर लगी। उन्होंने लिखा, अभी आज के जजमेंट के तुरंत बाद लिखा है, प्रशांत भूषण सुनो, सत्य सूली पर चढ़ेगा, यह सुकरात काल है। ध्यान है सुकरात पर, सुकरात ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे, सोक्रेटिस जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। सुकरात को सच बोलने के लिए जहर का प्याला पीना पड़ा था, मीराबाई को भी जहर का प्याला पीना पड़ा था। तो मंजुल कहते हैं, प्रशांत भूषण सुनो, सत्य सूली पर चढ़ेगा, यह सुकरात काल है। जिनके न्याय के लिए लड़ रहे हो वो विकास के लिए खामोश रहेंगे, मुर्दा समाज बोलता नहीं। मंजुल भारद्वाज, ऐसे मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि ये देश दिखाएगा कि ये मुर्दा समाज नहीं है, ये समाज बोल सकता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, एडीएम जबलपुर जो इमरजेंसी का केस था, जिस केस ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को कम किया था, उस केस का जो जजमेंट था, किसी आलोचक ने नहीं, उस केस में जो माननीय न्यायाधीशों ने लिखा था, उससे इस देश के हर व्यक्ति को मैसेज गया था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब न्याय वहां नहीं मिलेगा। इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना है तो तुम्हें सड़क पे जाके लड़ना पड़ेगा, ये मैसेज उस वक्त मिला था लोगों को। आज जो हुआ है ये एडीएम जबलपुर का अध्याय नंबर एक है। अध्याय नंबर दो शायद 17 तारीख को होगा, ऐसी आशंका कई लोगों को है, मुझे भी है। अध्याय नंबर तीन शायद 20 तारीख को होगा, इसमें एक आधा और अध्याय भी जुड़ सकता है। जो मैसेज जाता है वो ये कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करेंगे, चाहे सही आलोचना हो, चाहे सत्य पर आधारित हो, चाहे कोई मैलिस ना हो, चाहे आपके मन में सुप्रीम कोर्ट संस्था के लिए सम्मान हो, आपको सजा मिलेगी। खबरदार जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला, ये मैसेज जाता है एक ऐसे समय में जहां मीडिया बोलने से घबरा रहा है, ऑपोजिशन बोलने से घबरा रहा है। एक उम्मीद जो लोगों की बनती है, जब सब संस्थाओं के दरवाजे बंद होने शुरू हो, तब लोगों की एक आखिरी उम्मीद बनती है कि वो शाहजहां के दरबार में घंटी बजाने वाला काम है ना, कम से कम उस घंटी बजाने से कुछ चलेगा। एक उम्मीद बनती है कि न्याय का मंदिर खुलेगा, बाकी ठीक है, कोई मेरे साथ SHO कर ले, CM कर ले, PM कर ले, मैं कोर्ट जा सकता हूं। दुर्भाग्यवश आज का जजमेंट ये इशारा करता है कि बाबू कोर्ट कुछ भी करे, बोलना नहीं। बस एक आखिरी बात कह के समाप्त करता हूं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखिए, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, जो रियल हो ना हो। आज का सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, न्यायाधीश बहुत ईमानदार है, न्यायाधीश किसी से डरे हुए नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई समय हो जबकि न्यायपालिका न्यायाधीश डरे हुए हो सकता है ना ऐसा कोई समय। मान लीजिए ऐसा कोई समय आता है जब इस देश के चीफ जस्टिस रूलिंग पार्टी के साथ मिले हुए हों, उनके इशारे पे काम करते हों, शाम को फोन आ जाए कि भैया ये जजमेंट देना है और सुबह वो जजमेंट दे दिया करें। मान लीजिए ऐसा कभी हो जाए भविष्य में, ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए ऐसा कभी हो जाए। अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, बड़े जज, मान लीजिए सत्ता के साथ इतने घुले मिले हैं कि जो सत्ता चाहे वो काम करवा ले,
तो ऐसे में इम्पीचमेंट तो उनका हो नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसीजर है वो तो इम्पीचमेंट का, इम्पीचमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में जो हाइपोथेटिकल केस में बता रहा हूं, ऐसे में वो संसद तो उसके खिलाफ इम्पीच करेगी नहीं। तो एकमात्र क्या रास्ता बचता है, आलोचना, लोग बोलेंगे। ये जो लोक लाज होती है कि आपके सर्कल में लोग खड़े होकर बोलेंगे गलत काम कर रहे हैं, इम्पीचमेंट नहीं हो सकता। हो सकता है बड़े बड़े सत्ता वाले आपके साथ हो, लेकिन आपकी सार्वजनिक आलोचना होगी, लोग आपको कहेंगे काम तो गलत कर रहे हैं। कैसे इस चीज को लेके तुम जिंदा रहोगे, तुम कैसे अपना मुंह बचाओगे, ये बात तो लोग पूछेंगे ना। तो अगर ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जो भगवान करे कभी ना आए इस देश में, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोकतंत्र बचाने का क्या रास्ता है, सार्वजनिक आलोचना, लोक लाज, जो सबसे पहले वकीलों से शुरू होगी, बाद में सड़क पे जाएगी। इसलिए ये आलोचना बेहद जरूरी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कामों की आलोचना इसलिए जरूरी है, एक तो ये संभव है, लीगली परमिसिबल है, ये डिजायरेबल है, एक अच्छी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में डिजायरेबल है। और जिस वक्त लोकतंत्र को खतरा हो उस वक्त तो ये जरूरी है, ये धर्म का काम। प्रशांत भूषण ने जो किया वो धर्म का काम किया, मैं सलाम करना चाहता हूं। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने इस देश में इमरजेंसी लगने से पहले एक बहुत बड़ा काम किया था इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा लड़ने का साहस किया था। जस्टिस सिन्हा ने बड़ा काम किया था इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और आज प्रशांत भूषण ने इस सच को बोल के, जिस सच का बहुत लोगों को पता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते, प्रशांत भूषण ने कहा, उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि ये परमिसिबल है, ये डिजायरेबल है और आज के संदर्भ में ये नेसेसरी है। उसको सलाम करता हूं, प्रशांत भूषण के उस जज्बे को सलाम करता हूं। अब हमें 20 तारीख को देखना है। 20 तारीख को प्रशांत भूषण या उनके वकील जाके कह सकते हैं कि अब आपने गिल्टी तो ठहरा ही दिया, कम सजा दीजिए, या महात्मा गांधी की तरह कह सकते हैं कि आप जो चाहें कीजिए, मैंने जो कुछ किया सोच समझ के किया।